ये देखिए हमारा आलू बोंडा बनके बिल्कुल तैयार है और आप देख पा रहे होंगे बेसन की कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है, कितनी फाइन लेयर बनी है हमारे आलू बॉल्स के ऊपर। ये देखिए सिक्के भी बहुत अच्छी तरह से हैं और ये देखिए लेयर देखिए आप कितनी इवन और न मोटी न पतली लेयर बनी है। तो आप ऐसे ज़रूर बनाएं। आइए अब हम अपने आलू बोंडे की प्लेटिंग, आज हम बनाएंगे आलू बोंडा। आलू बोंडा बनाने के लिए मैंने कुछ आलू लिए हैं जिन्हें बॉईल करके पील कर लिया है। ये मैंने 3 से 4 टेबलस्पून बेसन लिया है, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से बेसन ले सकते हैं। मसालों में मैंने ये चाट मसाला लिया है, ये साबुत लाल मिर्च है जिसे मैंने ऐसे थोड़ा सा पीसेस में तोड़ लिया है, ये 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये थोड़े से तिल हैं, काला नमक है, जीरा है, हींग है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, नमक है और धनिया पाउडर है। इधर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड गरम किया है, जैसे ये रिफाइंड गरम हो जाएगा सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये जीरा पाउडर। देखिए जीरा पाउडर थोड़ा सा क्रैकल हो रहा है। उसके बाद ये जो हमने 1/4 टीस्पून हींग ली है ये हींग हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद ये जो 2 रेड चिलीज हैं जिन्हें हमने पीसेस में तोड़ लिया है वो डाल देंगे और इनको 10-20 सेकेंड ऐसे ही अच्छे से रिफाइंड के साथ हम पौधे होने देंगे। ये तीनों चीज़ें भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हम ध्यान से डालेंगे, हम थोड़ा सा काला नमक भी डाल रहे हैं और चाट मसाला भी डाल रहे हैं तो उन सब चीज़ों में भी नमक है तो नमक उस हिसाब से डालेंगे। अब ये जो बॉइल्ड आलू हैं इनको मैंने मैश कर दिया था, अब ये हम मिला देंगे सारे मसालों के साथ और आलू को अच्छे से हम भूनेंगे। ये हमने आलू अच्छे से मैश कर लिए हैं, अब हम इसमें ये जो हमने 1.5 चम्मच कसूरी मेथी ली थी इसको हाथों के बीच में क्रश करके ये कसूरी मेथी डालेंगे। इसमें ये जो हमने तिल लिए थे थोड़े से ये तिल डालेंगे, अगर आप तिल नहीं खाते हैं तो आप तिल अवॉइड कर सकते हैं। और हम डालेंगे इसमें लगभग 1/2 चम्मच काला नमक। काला नमक से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है किसी भी चीज़ में तो काला नमक ज़रूर डालें। अब हम डालेंगे इसमें ये 1/2 चम्मच के करीब हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, ये डालेंगे और सबसे एंड में हम ये डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। और अब इन सब चीज़ों को दोबारा से एक बार मिला के हम अपने आलूओं को 4 से 5 मिनट अच्छे से ऐसे ही कढ़ाई में भूनेंगे। बेसन में नमक और मिर्च डालने के बाद एक बार हम अपने ड्राई बेसन, नमक और मिर्च को अच्छे से मिला लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे जिससे हमारे बेसन में गुठलियाँ ना बने और इसका एक स्मूथ हम बैटर तैयार कर लेंगे। एक साथ हम बहुत सारा पानी नहीं मिलाएंगे, नहीं तो फिर जो गुठलियाँ बन जाएंगी उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए, गाढ़ा होगा तो हमारे आलू बोंडा के ऊपर बहुत मोटी लेयर बन जाएगी बेसन की और फिर हमें आलू के टेस्ट की बजाय बेसन का ही टेस्ट आएगा। और अगर बहुत पतला होगा तो बेसन उसके ऊपर स्टिक नहीं करेगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाला था तो कितना स्मूथ बैटर बन गया हमारा। अब इसमें पानी डाल के हम कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालें और जितना अच्छा आप अपने बैटर को बीट करेंगे लेयर उतनी ही फ्लफी बनेगी। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, ना इससे गाढ़ा चाहिए ना इससे पतला चाहिए, ये कंसिस्टेंसी चाहिए तो हमारी कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। अभी हमें इसमें एक इंग्रेडिएंट और मिलाना है, ये इधर मैंने रिफाइंड गरम होने रखा है जिस रिफाइंड में मैं अपने आलू बोंडा को फ्राई करूंगी। जब ये रिफाइंड एकदम गरम हो जाएगा तब हम 1 टेबलस्पून रिफाइंड इसमें डालेंगे अपने बेसन के बैटर में, जिससे हमारा जो आलू बोंडा है वो और क्रिस्प बनेगा। ये इधर मैंने आलू की स्टफिंग निकाल के एक प्लेट में रख दी है ठंडी होने के लिए, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब हम इससे बॉल्स बना के और बेसन में कोट करके फ्राई करेंगे। हमारा रिफाइंड गर्म हो चुका है, अब बस इतना
एक टेबलस्पून रिफाइंड हम बहुत सावधानी से अपने बेसन वाले बैटर में डालेंगे और इसको अच्छी तरह 3-4 मिनट के लिए हम ऐसे ही बीट करेंगे। अगर आप बीट नहीं करेंगे तब भी अच्छे बनेंगे, पर बीट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनेगी ऊपर की लेयर। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा बिना बीट करे बेसन को, और अच्छे से 2-3 मिनट के लिए बीट करने के बाद बना के आपको दोनों का डिफरेंस, जब आप ऊपर बेसन वाली लेयर आपके मुंह में जाएगी तो आपको दोनों का डिफरेंस एकदम पता चल जाएगा। बीट करने से हमारे बेसन में एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है और फिर जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत ही क्रिस्प बनते हैं। हमारे जो आलू का हमने मिक्सचर बनाया था ये भी ठंडा हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और इसकी हम बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स का साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको छोटा चाहिए बड़ा चाहिए जिस हिसाब से चाहिए। ये मैंने मीडियम साइज का रखा है तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और ऐसे ही हम सारे बैटर की बॉल्स बना लेंगे। बैटर को ठंडा करना ज़रूरी है तभी हम बैटर की बॉल्स बनाएं। गरम बैटर की बनाएंगे तो एक तो हम होल्ड करके उनको शेप नहीं दे पाएंगे और हमारे आलू बोंडे भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए आलू के मिक्सचर की हमने सारी बॉल्स बना ली हैं, हमारा बेसन भी बिल्कुल रेडी है। अब हम एक बॉल ऐसे डालेंगे और ये देखिए कितनी बढ़िया कोटिंग हो रही है। ये देखिए सब तरफ इवन कोटिंग हो रही है और इधर हमारा रिफाइंड भी गर्म हो गया है। तो बस ऐसे सावधानी से फॉर्क को उठा के सारा एक्सेस ड्रेन ऑफ होने देंगे और ऐसे हम डाल देंगे। फिर से एक लेंगे, उसको अच्छे से कोट करेंगे, एक्सेस को ड्रेन ऑफ होने देंगे फॉर्क पे से। देखिए फॉर्क से डालेंगे तो यही वो है कि आपके हाथ का भी जलने का डर नहीं रहेगा और सारा जो एक्सेस बैटर है वो वापस हमारे बेसन वाले कंटेनर में ही आ जाता है। ये देखिए थोड़ी देर आप ऐसे इसको रखेंगे तो ये देखिए नीचे से सारा एक्सेस ड्रेन ऑफ हो जाएगा और फिर कढ़ाई में आप बड़ा आराम से डाल सकते हैं। ऐसे ही एक बार में 3-3, 4-4 या जैसी भी आपकी कढ़ाई की कैपेसिटी है उसको आप फ्राई कर लीजिए और ये 2-3 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए अब इनको बहुत हल्के हाथ से हम पलट देंगे। देखिए कितनी फाइन लेयर हुई है बेसन की, ना बहुत मोटी है ना बहुत पतली है, इसलिए बेसन की कंसिस्टेंसी जो हम डिपिंग के लिए बना रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत मोटा होगा तो सिर्फ बेसन का टेस्ट आएगा, आपने जो आलू बनाने में इतनी मेहनत करी है उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। और अगर बहुत पतला हो जाएगा तब बहुत पतली लेयर होगी तो वो क्रिस्पनेस नहीं आएगी हमारे बड़ों पे, तो इसलिए बेसन की कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इनको सब तरफ से घुमा घुमा के हम अच्छे से सेक लेंगे। आलू बोंडा का साथ सर्व करने के लिए मैंने ये तीखी चटनी बनाई है धनिए की और ये हमारे पास सॉस है। आप इन चीज़ों के साथ आलू बोंडा इंजॉय करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में।